मैम बच्चे को क्या हुआ था और जिस तरीके से लापरवाही हुई? खाली फीवर आया था उसको, बस 2 दिन से रात को फीवर था। मैं सुबह डिस्पेंसरी लेके गई दवाई के लिए, उन्होंने दवाई दी, 5 दिन की दवाई दी मेरे को वहीं से। जैसे मैंने उसको आके दवाई दी, शाम को टाइम देखा तो पूरे पूरे तरीकों के दाने हो गए पानी वाले। दूसरे दिन देखा तो पूरी खाल ऐसे उतर रही है, बहुत ज्यादा बहुत परेशान था मेरा बेटा, बहुत तकलीफ में था। ना वो कुछ खा पाए, ना पानी, ना कुछ पी पावे, ना सो पावे, मेरे को बहुत तंगी में था। बहुत हम लोग फिर उसको अम्बेडकर लेके गए, उनकी सारी को 3 बजे, तो वो लोग कह रहे वही तुम्हारा लड़का बहुत सीरियस है, उसको कलावती ले जाओ। कलावती पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिंगल डॉक्टर नहीं है, आप आगे ले जाओ उसको। हम लोग आगे लेके गए, फिर वो लोग कह रहे कि डॉक्टर 12 बजे आएगा, सिंगल डॉक्टर 12 बजे आएगा, उस टाइम आएगा तो उसको ही चेक करेगा, 12 बजे डॉक्टर आएगा। ठीक है, कर रहा योगी फिर भी उन्होंने इलाज पूरी तरह सही नहीं किया, ग्लूकोज लगाते रहे, दवाइयाँ लगाते रहे, बेटा बहुत तरफ तरह मेरा बहुत ज्यादा तरफ तरफ मेरा बेटा गया, बहुत ज्यादा तरफ तरफ बेटा। अच्छा, जिस समय आप ये हुआ, क्या हॉस्पिटलों के चक्कर आपको लगाया? आप कहते हैं कि पॉली क्लिनिक की लापरवाही, फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों के चक्कर लगाना। अपने बेटे को ले जाओ, अपने बेटे को ले जाओ, हम क्यों ले जाओ बेटे को? आप हमें मुझे लेके आओ, आप हमें रेफर करो कोई, ट्रेवल करो, सरकारी में करो कोई। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी मर्जी से लेके जाओ अपने बेटे को, मैं हम अपनी मर्जी क्यों लेके जाओ? आदमी की बात करता है। आज आप देख सकते हो उस बच्चे की माँ, जिसकी मृत्यु एक गलत दवाई देने के कारण हो गई, उसकी माँ हमारे बीच है। इधर देखिए, उस बच्चे के पिताजी और उस बच्चे की छोटी बहन भी हमारे बीच है। इस परिवार में 3 बेटियां और एक छोटा बेटा 1.5 वर्ष का था, जिसकी गलत दवाई देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज इस दुखी परिवार के साथ हमें क्यों उतरना पड़ा? जो केजरीवाल आम आदमी के साथ रहने की बात करता है, मोहल्ला क्लिनिक आपने देखे होंगे, आपके इलाके में क्या स्थिति है, क्या कोई ये पोली क्लिनिक है और मोहल्ला क्लिनिक, जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक है वो अपने कार्यकर्ताओं को किराया देने के लिए उन्होंने खोल रखी है, और वहाँ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बैठा रखा है और उनको भी सैलरी दे रहे हैं। तो आज हम मांग करते हैं केजरीवाल साहब, अगर आप इस दिल्ली की गरीब जनता की अगर सेवा नहीं कर सकते, स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सकते, ठीक प्रकार के डॉक्टरों को नहीं बैठा सकते, तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं। इस्तीफा दे करके दिल्ली की जनता के पास दोबारा मत के लिए आप जाएं, जनमत के लिए दोबारा जाइए।